हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दिया है और लास्ट लेक्चर जो हमारा आया था वो इंट्रोडक्शन आया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो कोई ज़्यादा आपके लिए मैंडेटरी भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में, किस सीक्वेंस में चलेंगे, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। बट एक्चुअल में जो हमारी स्टडी स्टार्ट होगी वो इस लेक्चर से स्टार्ट होगी, वो लेक्चर नंबर 0 था। दोस्तों, वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज आप उसको 1.50 में देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे रियलाइज हुआ कि यार सेटअप कराना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। मुझे लगा था कि वीएस कोड आप सेटअप कर लेंगे एंड आफ्टर दैट आप मेरे साथ स्टार्ट कर लोगे, बट दोस्तों मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, सेटअप कराना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद मैं आपको सेटअप कराता हूँ कि सेटअप करने के बाद हम किस तरह से इसे रन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट है क्या, थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे एंड उसके बाद हमारा जो आज से ही हमारा हमारा जो इंप्लीमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, बट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को देखेंगे। अब देखो, W3S के रेफरेंस पे मैं आ गया हूँ। मैंने आपसे यही कहा था कि हम W3S का रेफरेंस लेंगे या MDN का रेफरेंस। तो दोस्तों आज के लिए W3, तो इन्होंने बताया जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो, वर्ल्ड की पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है? तो दोस्तों इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो, पहली चीज तो ये स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर आप, मैं बताऊंगा स्ट्रिक्ट और अनस्ट्रिक्ट वाला क्या है। स्ट्रिक्ट भी है बट इसको हम अनस्ट्रिक्ट ही नॉर्मली यूज करते हैं। दूसरी बात यह है कि जावास्क्रिप्ट को सभी जगह यूज किया जा रहा है। एज लाइक आप वेब डेवलपमेंट तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप कंसोल एप्लीकेशन ही बना सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप नोड के थ्रू अपनी जितनी भी आपकी APIs वगैरह हैं वो भी लिख सकते हैं, आप का जो एक्सप्रेस है सर्वर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप MongoDB के में काम करना चाहते हैं तो मोंगोज की क्वेरी जो JS के साथ आप बाइंड करके यूज कर सकते हैं। तो अगर आप जो फुल स्टैक का काम है ना, पूरा JS से कर सकते हैं। फ्रंट एंड ऑलमोस्ट हम देखो जो HTML का काम है वो सारा हम JS से भी कर सकते हैं, बट HTML इतनी ईजी है कि आप नॉर्मली यूज कर लोगे HTML, CSS, JS, इन तीनों से आप पूरी वेबसाइट हैंडल कर सकते हो। आप बैकएंड तक भी इससे लिख सकते हो, जो हमारा SQL का काम था। देखो, जो हमारा SQL का काम था, जो SQL में हम लिखते थे बैकएंड में, वो हम NoSQL में लिख सकते हैं। NoSQL मींस जो हम मोंगोस की क्वेरी में लिखते हैं, जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर हो जाता है, वो चीजें। चलो उसमें हम नहीं जाएंगे, SQL NoSQL में। मैं आपको JS बताने वाला हूँ कि पॉपुलर इस वजह से है और इतनी ईजी टू लर्न है। आप इसका सोर्स जो है बिल्कुल ओपन है और इतना ईजी टू लर्न है कि आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हो, अगर आप AKHD की ये वीडियो अगर आप फॉलो करोगे अच्छे से, ये ट्यूटोरियल अगर आप फॉलो करते हो तो। के बाद जावास्क्रिप्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो ये तो पता ही है कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड द एंड वो वेब के साथ भी यूज होती है, ठीक है। तो एज वेल एज दोनों काम इसमें कर सकते हैं, हम कंसोल भी कर सकते हैं एंड उसके बाद हम वेब में भी काम कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, एक देखो कुछ चीजें होती है जो आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है वेबसाइट बनाना, एक होता है वेब ऐप बनाना। तो समझो कि हम वेब ऐप JS के थ्रू हम वेब ऐप भी बना सकते हैं। वेब ऐप इट मीन्स कि हमारा वेब पे चलने वाला एक ऐप, ठीक है। अब देखो उस चीज को हम समझेंगे थोड़ा सा। वेबसाइट हमने बनाई जो हमारी, ये है एक तरह से वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। अब इसके अंदर वेब ऐप का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारा जो वेबसाइट है यूजर से इंटरेक्ट करे और यूजर को वो, जैसे मान लो हमने इनपुट दिया, आउटपुट लिया, बहुत सारी चीजें होती है, उसे हम वेब ऐप कह सकते हैं। कैलकुलेशन हम करा रहे हैं उनको हम वेब ऐप कहते हैं। अब वेब ऐप क्या होता है, जैसे आप इसको एक इजिली समझ सकते हैं, जैसे फेसबुक है। अब फेसबुक का वही काम तो ऐप पे होता है, वही आप वेब पे भी जाके कर सकते हैं। आप पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, आप पोस्ट डिलीट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, रील देख सकते हैं, वेब पे ही देख सकते हैं। तो वहाँ वेब ऐप बनते हैं। JS के थ्रू आप वेब ऐप भी बना सकते हैं। मुझे पता है कि वेब ऐप का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, बट उसके लिए हम कोई दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमारा है इंट्रोडक्शन देख, ठीक है। उसके बाद देखो, इजी टू लर्न, ये तो यार मैं रियल बोल सकता हूँ। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लेम करती है कि इजी टू लर्न, बट मैं कह सकता हूँ एट द एंड जावास्क्रिप्ट इतनी ज्यादा इजी टू लर्न है कि अभी आप देखोगे, अगर आप गो थ्रू करते हैं प्रॉपरली हमारे ट्यूटोरियल, एंड द ईयर आप कहोगे कि यार वाकई में भैया आपने तो इतना अच्छा पढ़ा दिया सर, जीरो से लेके एडवांस तक लेके हमें पता ही नहीं लगा। बट इजी टू लर्न है तब जब आप AKHD के साथ पढ़ते हो। हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको AKHD को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर कर देना है अभी वीडियो को बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद ट्यूटोरियल हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ने की नीड क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जावास्क्रिप्ट से आप क्या कर सकते हो, आप आओ AKHD सॉल्यूशन पे। यहाँ पे आपने देखा HTML से आप इतना कुछ बना सकते हो, HTML CSS से आप इतना कुछ बना सकते हो नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्यूटोरियल सारा आ रहा है यहाँ पे,
ये आ रहा है किसी एपीआई से उठ के किसी बैकएंड से, कोई डेटाबेस से उठ के। तो वो जो हमने कंबाइन किया हुआ है, वो जो बीच का पाथ है, एक ब्रिज है, वो हमने किससे बनाया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया, वहां कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया और डेटा हमारा वहां से ड्रिल होके आ गया। एट द एंड आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारा डेटाबेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड है, तो बीच का ब्रिज हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिख सकते हैं और यहाँ से डेटा ला सकते हैं, ठीक है, ये हमारा काम है। दूसरी बात, मान लो मैं क्या करता हूँ, मेरे इस क्लिक पे, यहाँ पे जैसे मैंने होम पे क्लिक करा, मेरा होम आ गया, ठीक है, ये वाला होम आ गया। तो इन सब चीजों को, इनकी फंक्शनैलिटी लिखनी, लिकेबल बनाना, ये भी हमारा जावास्क्रिप्ट की ऐप से होता है। अब दोस्तों बहुत सारी चीजें जो हमारा ये ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि जब हम रिएक्ट पे काम करते हैं, रिएक्ट पे एंड सारा काम जावास्क्रिप्ट पे होता है, थोड़ी चीजें चेंज होती है, वो हमें देखनी है कि रिएक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। आप समझ सकते हो कि एक नॉर्मल जो मट्टी होती है, एक बर्तन बनाने वाला क्या करता है, उसी मट्टी को आकार दे देता है। तो ऐसे ही रिएक्ट को समझ लो कि जावास्क्रिप्ट को ही लिखते हैं, बट हम क्या करते हैं, दूसरे ढंग में लिखते हैं। तो इस वजह से अब मैं ये समझाना क्यों चाह रहा हूँ आपको, रिएक्ट वाला सीन, कि जब आप रिएक्ट के अंदर क्लिक करोगे तो जावास्क्रिप्ट की इतनी बड़ी फंक्शनलिटी है कि यहाँ पे जो आपकी रिफ्रेश हो रही थी, जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं, रिफ्रेश हुआ तो देखो ये रिफ्रेश ही नहीं होगा वहां पे रिफ्रेश नहीं होती चीज। तो वो मैं बताना चाह रहा था, वो भी जावास्क्रिप्ट से चीजें हो रही है, यहाँ क्लिक करोगे कुछ और खुलेगा, यहाँ क्लिक करोगे ये खुलेगा, तो ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी, ठीक है, ये है जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी। अब दोस्तों जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी चाहिए ये चीजें, अब देखो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया होगा, आप अगर इसके ऊपर जाते हैं तो देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, तो देखो यहाँ पे डेट एंड टाइम आ गया, ठीक है, यहाँ पे डेट एंड टाइम आ गया। सेकंड हम चलते हैं एक बार, इसको रिफ्रेश मैं करता हूँ, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, देखो नीचे शो हो गया डेट एंड टाइम। तो ये वाली फंक्शनलिटी भी आप जावास्क्रिप्ट से इजीली लिख सकते हो, तो ये सब चीजें हम जावास्क्रिप्ट से लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा समझो कि हमारी जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी, इट मीन्स जो हमारी एक ऐसी लैंग्वेज के जो हमारा स्ट्रक्चर देती है, लाइक कहाँ पे हमें हेडिंग बनाना है, लाइक हमारे स्ट्रक्चर क्या होगा, हेडिंग क्या होगा, ठीक है, हेडर क्या होगा, फुटर क्या होगा, उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम एम्बेडेड करके मतलब इंजेक्ट करके इतनी पावरफुल चीज बनाएंगे कि वो इंटरेक्ट कर सके यूजर के साथ, हम तो वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है। अब देखो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे, अभी के लिए मैं आपको डमी जो बता रहा था अपने एंड से बना रहा था। तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन यही है कि जावास्क्रिप्ट जो हमारी लैंग्वेज है, वो एक तरह से क्लाइंट और सर्वर दोनों के साथ वर्क करती है, क्लाइंट पे भी वर्क करती है, सर्वर के साथ भी वर्क करती है, और इतनी ज्यादा इजी टू लर्न है कि हम इसे इजीली पढ़ सकते हैं और इससे हम काफी क्लिकेबल चीजें कर सकते हैं। माउस ओवर जैसे देखो इसको स्क्रॉल करना है, ये भी, अब देखो यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है इन्होंने, टर्न ऑन एंड ये लाइट को ऑन करने का है, ऑफ करने का। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लाइट इसके अंदर आ गई है, इसे क्लिक करूंगा ऑफ हो गई है। तो देखिए ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार कैसे हो गया, अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, बट देखो यहाँ क्लिक करके ऑफ हो रहा है, ये जल रहा है, ये ऑफ हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी है। इजिली बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर पाओगे इस फंक्शनलिटी को, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट देख ली, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट कब बनी, ठीक है, तो किसने बनाई और जावास्क्रिप्ट कब बनी, ठीक है, तो व्हेन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों मेरी थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर है भाई साहब, तो आप कवर कर लेना, इंग्लिश में मैं थोड़ा लिखता ऐसे ही हूँ क्योंकि यार नहीं आती यार, कितनी चीजें नहीं हो पाती। देखो 1995 में, इसका मतलब समझ पा रहे हो कि देखो 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी, उससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी आपकी वो चल रही थी असेंबली को लेके, एक आपकी एक सिमिलर 62 करके एक लैंग्वेज आई थी जिसने सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अडॉप्ट किया था। 1972 में सी आई, उसके बाद 80 के अप्रोक्स आपकी C++ आई, उसके बाद 90 के अप्रोक्स जब पाइथन आई, तभी जावास्क्रिप्ट के समथिंग जावास्क्रिप्ट आई है, और आपका WW वेब 1991 के समथिंग आई थी। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसके साथ हम कंपेयर करेंगे WW वेब को, ठीक है, WW when introduced, तो www.1991 ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि 1991 में WW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था, और उसके बाद अब वर्ल्ड वाइड वेब को किस तरह से, मतलब इस जो हमारी वेबसाइट है उस पे हम उसे UI से इंटरेक्ट कैसे बनाएं, कैसे उसके अंदर फंक्शनलिटी ऐड करें, तो उसके लिए हमें JS की नीड थी। तो देखो आप इस चीज को समझो कि WW वेब आई, उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट आई है, 1995 में आई है, और इसको बनाया किसने था, तो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1995 में बनाया था वेंडन इच ने, ठीक है, तो ये 1995 में बनाई थी, ये आपने इसकी देख ली है। अच्छा अगर आप हिस्ट्री और देखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड वर्जन देख सकते हैं इसके, अभी ES6 चल रहा है, वो सारे वर्जन देख सकते हैं,
ठीक है, तो ये प्रॉपरली आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि क्यों आई, किस लिए आई, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई है, आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हो। फिलहाल में मैं हिस्ट्री में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, आप जाके इसको देखो। तो दोस्तों आज के लिए इतना था। हाँ सच मेरे को, मैं अभी यार फॉरगेट हो गया था मेरे माइंड से कि सेटअप भी आपको कराना है, तो ओके मैं सेटअप करा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको वीएस कोड डाउनलोड करना है। आप मैंने वैसे लास्ट की वीडियो में कराया था, चलो कोई नहीं मैं पूरा सेटअप करा देता हूँ इसमें। यहाँ पे हम अगर हम वीएस कोड डाउनलोड लिखते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये वाले फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो भी डिपेंडेंसी है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लो। एक आपने यहाँ पे क्लिक करा, एक exe फाइल डाउनलोड आपकी होगी, एक exe फाइल आएगी आपकी। exe फाइल डाउनलोड होने के बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, कुछ चेकबॉक्स आएंगे उन्हें क्लिक कर देना, ऑल चेकबॉक्स को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट करना, फिर आपका हो जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों आपको करना है क्या, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा जिस तरह से। तो मैंने फोल्डर बना लिया, एक फोल्डर जैसे जेएस का फोल्डर आपने बना, आपको देखना है कि आप जहाँ पे भी इसे रन करना चाहते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पे आते हैं। मैं चलो एक काम करता हूँ, इसे अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ यहाँ से जेएस वाले को, मैं दोबारा स्टार्टिंग से ये सब बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे जाऊँगा फुल स्टैक फॉर यूट्यूब, ठीक है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, और उसको क्या देता हूँ मैं, ओके यार मैंने क्या शॉर्टकट बना लिया मैं यार, यहाँ पे हम नया फोल्डर बना लेंगे, और फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे जेएस हम लिखते हैं, एंट्रेट करते हैं। मैंने सब कैपिटल में बनाया था तो मैं इसे भी कैपिटल में बनाऊंगा। एंट्रेट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विद विंडो। अगर आप अभी 10 या 11 में है तो, सॉरी 10 में है तो इस तरह आ जाएगा, अदरवाइज अगर आप 11 में पहुंच चुके हैं तो आपको यहाँ पे लास्ट में मोर ऑप्शन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको ये प्रॉपर्टी दिखने के लिए मिलेगी। अब मैंने आपसे कुछ चेकबॉक्सेस आपको चेक कराने के लिए कहा था, उसकी फंक्शनलिटी है कि आप यहाँ से, ये हमारा इसमें आ जाता है, मतलब शॉर्टकट इस तरह के क्रिएट हो जाते हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमारा एक इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा, वीएस कोड, वीएस कोड ओपन हो गया। अब हमारा वीएस कोड हो गया, कुछ डिपेंडेंसी हम यहाँ पे हमको क्या करनी है, इंस्टॉल करनी है। देखो दोस्तों अगर आप हमारा एचटीएमएल का ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं, आपने सीएसएस हमारी देख ली है तो आपने वो कर रखी होंगी पहले से ही। तो पहले आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको करना है लाइव सर्वर, इस वाले में, सॉरी एक्सटेंशन के पार्ट में जाओगे आप, यहाँ से करोगे लाइव सर्वर। तो अगर आप यहाँ पे लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से लाइव सर्वर इस तरह से करोगे आप, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है। तो इंस्टॉल आपने कर लिया लाइव सर्वर, आई होप आप कर लोगे अच्छे से, एंड उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पे इंट्रो अगर हम बनाते, पहले हम बनाएंगे एक फोल्डर इंट्रो वाला, इंट्रो, एंड इसके अंदर हम बनाएंगे एक फाइल, बनाएंगे यहाँ पे हम बनाएंगे intro.js, बिकॉज कि हमको जो अपना ट्यूटोरियल चलाना है वो जेएस की हेल्प से चलाना है, ठीक है, वो कैसे चलाना है, जेएस की हेल्प से। अच्छा मैं अभी के लिए जेएस वाली फाइल नहीं बनाता हूँ, इसकी मैं एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ, जेएस की जगह मैं इसको एचटीएमएल रखता हूँ, क्योंकि अभी आप एचटीएमएल के साथ फैमिलियर हैं। तो एचटीएमएल मैंने लिखा, मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा, एचटीएमएल की जो बॉयल प्रिंट है वो मेरे पास आ जाएगी, और मैं ओनली यहाँ पे H1 टैग लगाऊंगा, H1 के यहाँ लिखूंगा जस्ट डेमो, ओके डेमो, ओके डेमो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जस्ट डेमो हम इस तरह से लिख देते हैं। एंड उसके बाद अभी के लिए हम इसको लाइव सर्वर करेंगे। तो दोस्तों आपके पास एक कोई सा भी, मतलब कहने का मतलब फायरफॉक्स हो या क्रोम हो या एज हो, कोई भी हो, एक ब्राउजर होना चाहिए, उस पर हम इसको लाइव सर्वर करेंगे। अभी डायरेक्टली हमारा ब्राउजर पर आ जाएगा, लाइव हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो लाइव सर्वर का मतलब क्या होता है कि हमारा लाइव हो जाना, ये हमारा दिख रहा है। इसी के साथ साथ आपको F12 प्रेस करना है, या तो आप F12 प्रेस कीजिए, या फिर आपको जस्ट ऐसे क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको कंसोल ओपन हो जाएगा, जस्ट आपको कंसोल में ही आना है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वार्निंग वाला, इस पर आप क्लिक कर दो, आपका कंसोल क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम चलेंगे अपने कोड में, यहाँ पे आपको एक टैग लगाना है, उसका नाम है स्क्रिप्ट। तो दोस्तों आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा दिया, स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद आप एंट्रेट करेंगे, इसका मतलब आप जावा स्क्रिप्ट आप एम्बेडेड कर सकते हैं इसके अंदर, अपने कोड में जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी कोई टर्म्स में गलत बोल दूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार इंग्लिश में थोड़ा मैं वीक हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जावा स्क्रिप्ट को क्या इंजेक्ट कर सकते हैं, अभी आपको क्या करना है, एक चीज लिखनी है कंसोल, ठीक है। आप यहाँ पे कंसोल लिखें, देखो कंसोल यहाँ से आ रहा है, कंसोल आपने लिखा, डॉट आपने लिखा, डॉट के बाद लॉग आप लिखेंगे, लॉग लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं डमी, डमी आपने लिख दिया, या फिर आप चेक लिख दो, यार डमी अच्छा नहीं लग रहा, चेक जेएस आपने लिखा, चेक जेएस, ओके आपने चेक जेएस लिया, लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद आप यहां से जस्ट सीधा यहां पे आ जाओ। अब ध्यान से देखो चेंजेस क्या हुए, चेंजेस क्या हुए हैं आपको ध्यान से देख लेने हैं,
मैं क्या करूंगा, इस कोड को उठाऊंगा, यहाँ से करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपना दूसरा ब्राउजर चलाऊंगा, जस्ट बिकॉज दूसरे ब्राउजर में मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। इस एक्सटेंशन से मैं आपको क्या कर सकता हूँ, आपको यहाँ पे मैं कुछ सर्कल बना के दिखा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं इसको कट करूंगा, एंड अभी के लिए मैं दोस्तों कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही पुरानी चीजें, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस तरह से ऐसे कर दिया। तो अभी चेंजेस क्या हुए हैं, दोनों का सेम पेज आ रहा है। चेंजेस क्या हुए हैं, पहले आपका सिंगल ये आ रहा था, तो अभी आपके आपको यहाँ पे कंसोल में कुछ दिख रहा होगा, कंसोल में कुछ आप थोड़ा बहुत देख रहे होंगे, तो वो चीज आपको देख लेनी है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, जस्ट मैंने यहाँ से ये किया एंड मैंने इसको दोबारा रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके अभी देखो आपके पास एक तो यहाँ से एक तो यहाँ पे ये आ रहा है जस्ट डेमो, और उसके बाद आप यहाँ ध्यान से देखो आपके पास यहाँ पे चेक जेएस आ रहा है, कंसोल चेक जेएस आ रहा है, यहाँ कंसोल के अंदर चेक जेएस आपका आ गया। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो मैंने लिखा था चेक जेएस, वो मेरा कहाँ प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है चेक जेएस, ठीक है। ये वाला मेरा प्रिंट हो रहा है, या यहाँ या वहाँ कहीं भी देख सकते हैं यार आप, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है, थोड़ा सा समझना है आपको कि जावास्क्रिप्ट को हम कंसोल, यहाँ से जो हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है उसको हम अपने ब्राउजर पे रन कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझे कि मान लो आपका सी प्रोग्रामिंग का कोई कोड था, उसके लिए आप क्या करते थे, टर्मिनल ओपन करते थे, इस तरह से आप टर्मिनल ओपन करते थे, आपका टर्मिनल खुलता था, यहाँ पे आप रन करते थे। बट जावास्क्रिप्ट का आप यहाँ पे रन नहीं करेंगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को अगर आप रन करना चाहते हैं यहाँ पे तो क्या करना होगा, तो आपको नोड जेएस डाउनलोड करना होगा, क्योंकि नोड जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम, जो क्लाइंट एक तरह का बोल सकते हैं कि क्लाइंट क्लाइंट के लिए एक मशीन बना के दे देता है जहाँ पे आप रन कर सकते हैं। बट अभी आपके लिए नोड जेएस को नहीं करना है, तो अभी आपको जो जेएस चलानी है वो सर्वर कहाँ चलानी है, क्रोम पे चलानी है। तो इसका मतलब आप समझो कि जो ये क्रोम ब्राउजर है, इवन कितने भी ब्राउजर, जो भी ब्राउजर होंगे, वो सारे ब्राउजर जेएस के लिए एज ए कंपाइलर वर्क करेंगे, जेएस के लिए एज ए कंपाइलर वर्क करेंगे। इट मीन्स कि जो भी जेएस का कोड होगा वो कहाँ पे कंपाइल होगा, वो होगा आपके ब्राउजर पे, ठीक है। वो कहाँ पे होगा, वो होगा आपके ब्राउजर पे। जस्ट आप यहाँ पे भी अगर आप देखो कंसोल में आते हो, अगर आप यहाँ पे कंसोल लिखते हैं, देखो मैंने कंसोल लिखा, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे लिखा, ओके। लॉग लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो एकेएसडी सॉल्यूशन, और मैंने यहाँ पे इस तरह से एंटर करा। अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखो ध्यान से मेरे पास हेलो एकेएसडी सॉल्यूशन आ गया, तो ये वाला आ गया। अब देखो ये चीज समझ पा रहे हो आप कि जो मेरी जावास्क्रिप्ट है वो कहाँ पे रन होगी, वो ब्राउजर पे रन होगी। अगर मैं उसको चाहता हूँ क्लाइंट पर रन करूँ तो नोड जेएस चाहिए, उसके लिए मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा, वो चीजें आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपके लिए हो गई यहाँ पे। अब आपका आपको इतना समझ में आ गया कंसोल हमारे लिए कितना ज्यादा मैंडेटरी है। अब आपने यहाँ से जेएस इंजेक्ट भी कर ली थी, तो देखो यहाँ पे इंजेक्ट भी कर ली। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, अगर आप यहाँ पे देखो अभी आप अलर्ट करो, यहाँ से अलर्ट एक फंक्शनैलिटी है, वो क्या है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, ठीक है, हेलो लिख के मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही आप क्रोम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट प्रिंट होगा, एंटर हिट करो, एक हेलो नाम से अलर्ट आ गया। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए बताया, जस्ट आप काफी वेबसाइट यूज करते हो, आप देखते हो ऊपर अलर्ट आ जाता है, तो वो अलर्ट कैसे लगाते हो, देखो पहले दिन ही मैंने आपको अलर्ट लगाना बता दिया। समझ पा रहे हो कि पहले दिन ही मैंने आपको अलर्ट लगाना बता दिया। तो ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में था, जस्ट मैंने आपको डेमो दिया, ये अलर्ट कंसोल ये सब चीजें लॉट ऑफ थिंग्स है जो हम कवर करेंगे। जस्ट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं इजिली आपको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमें किसी भी पोजीशन पे जाना है तो हमें स्टेयर पे स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, ऐसे ही मैं आपको लेके चलूंगा आपकी जर्नी को, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लेके चलूंगा। तो दोस्तों आपको करना है क्या, जल्दी से आपको आना है एक एडी सॉल्यूशन पे, और यहाँ से इसको कर लेना है सब्सक्राइब एंड शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, एंड वीडियो करना है लाइक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मैंने आपको बता दिया कि जेएस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ी थ्योरी बता दी, और आपके लिए होमवर्क है कि आप थोड़ा थ्योरी अच्छे से पढ़ के आना, थोड़ा और पढ़ लेना, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा देख इसको पढ़ने में। एंड मैंने आपको बताया कि हम कैसे कौन कौन से जो डिपेंडेंसी है, लाइक हमारा ब्राउजर हो गया, लाइक हमारा वीएस कोड हो गया, जिसके बाद हम रन कर सकते हैं जेएस को, एंड जेएस का कंपाइलर क्या होता है अभी आपको कमेंट में बताना है कि जेएस कहाँ पे कंपाइल होती है, जस्ट आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।